हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, मैट लिपस्टिक को हम किस तरीके से लगाएं। लिक्विड लिपस्टिक को लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों को लगाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से मैट लिपस्टिक और लिक्विड लिपस्टिक लगा सकोगे, जो लॉन्ग लास्टिंग लगेगी और आपको बहुत परफेक्ट आपके लिप्स पे परफेक्ट तरीके से आप लगा सकते हो। तो किस तरीके से लगाना है मैं इस वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है लिपस्टिक को अप्लाई करने का। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला स्टेप ये है उन लोगों के लिए है जिनकी जो लिप्स हैं बहुत ज्यादा ड्राई रहती हैं, क्रैकी रहती हैं, बहुत ज्यादा डल रहती हैं और बिल्कुल भी क्रैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्रैक्स होते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। उनको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी टूथब्रश होता है, टूथब्रश लेना है। उससे आपको हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है। इस तरीके से मसाज करोगे तो क्या होगा दोस्तों, जो भी आपकी ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, वो निकल जाएगी। और आपकी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अगर आप ये स्टेप करते हो तो जो लिक्विड लिपस्टिक है एकदम क्रैकी नहीं होगी, पैची नहीं लगेगी। तो आपको फर्स्ट स्टेप लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले ये जरूर करना है। और जिनके लिप्स ड्राई नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो वो सेकेंड स्टेप पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हल्के हाथों से एक से दो मिनट तक मैं अच्छे से इसे स्क्रब कर लूंगी जिससे डेड स्किन रिमूव हो जाए। आप लिप्स के लिए DIY स्क्रब भी कर सकते हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आपको नाइट टूथब्रश लेना है। डायरेक्टली थोड़े एक से दो सेकंड तक आप मसाज कर लोगे तब भी आपके जो लिप्स है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, प्लम्प हो जाएंगी। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक से दो सेकंड तक ही, मैंने ज्यादा नहीं किया है, हल्के हाथों से टूथब्रश को बस सर्कुलर मोशन में आप रोटेट किया है। आप देख सकते हो मेरी जो लिप्स हैं कितनी सॉफ्ट हो गई हैं और मुझे बहुत प्लम्प लग रही हैं। आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों, आपको लेना है कोई भी लिप बाम आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आप लिप बाम अप्लाई करते हो और अक्सर जो ये लिक्विड लिपस्टिक होती है आपके लिप्स को ड्राई कर देती है, इसलिए आपको सबसे पहले लिप बाम अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा आपकी जो लिक्विड लिपस्टिक है वो अच्छे से अप्लाई भी होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और आपके लिप्स ज्यादा ड्राई भी नहीं होंगी। तो आपको ज्यादा नहीं अप्लाई करना है, बस आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लैक्मे का ये लिप लव ले रही हूँ और मैं हल्का हल्का अप्लाई करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी दोस्तों, बस मैं इसे टैप टैप करके कर रही हूँ। बस आपको इतना ही करना है, आपको ज्यादा नहीं लगाना है लिप बाम। और दोस्तों, थर्ड स्टेप क्या होता है, आपको थर्ड स्टेप में क्या उन लोगों के लिए है और हर कोई कर सकते हैं जिनके माउथ एरिया के आसपास कालापन है, या फिर उनके लिप्स में पिगमेंटेशन है, या फिर डार्क स्पॉट्स हैं। बहुत लोगों के लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो क्या होता है वो जब भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना तो वो निखर के नहीं आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो लिप्स पे, या फिर आपके पास फाउंडेशन है, फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हर किसी के पास सीसी क्रीम तो होती है, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, जो भी आप अप्लाई करते हो उसे ले लीजिए और उसको थोड़ा सा लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट हैं आपके लिप्स पे वो हाइड हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा लिया है और पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लूंगी।
माउथ एरिया के अराउंड भी कर लीजिए, जो कि जिसके भी माउथ एरिया के आसपास कालापन रहता है, तो वो लिपस्टिक जो हम अप्लाई करते हैं वो निखर के नहीं आती है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, हाथ से ही अच्छे से कर लेना है आपको। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सॉरी ब्लेंड कर लिया है, अपने पूरे अच्छे से लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप है दोस्तों, हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी है। लिपस्टिक अप्लाई करने से के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके बाद मैंने जो लिपस्टिक ली है यहाँ पे मैबलिन की न्यूयॉर्क लिपस्टिक ली है, ये इसका शेड है 230, ये पॉपुलिश शेड में है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस लिपस्टिक से आउटर लाइन में आपको आपके जो लिप्स के पास जो है आउटर लाइन बनानी है। अगर आपके पास आप चाहो तो आपको लिप लाइनर है आप, तो लिप लाइनर की हेल्प से भी आप आउटर लाइन कर सकते हो। मैं इसी से आउटर लाइन आपको करके दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप लगाते हो तो बहुत आसानी से लिक्विड लिपस्टिक आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका ब्रश निकालूंगी। इसका जो अप्लीकेटर है दोस्तों, आपको इस एक अप्लीकेटर में जितना आता है उतना ही आपको यूज करना है। आपको बार बार इसको लेके ऐसे पोंछना नहीं है, बस एक बार जो अप्लीकेटर में जितना आ गया उतना ही लेना है आपको। उसके बाद आपको इससे आपको आउटर लाइन करनी है। ये मैंने अप्लीकेटर ले लिया है, उसके बाद मैं आपको आउटर लाइन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आउटलाइन प्रिपेयर कर ली है, आउटलाइन लगा ली है मैंने लिप्स पे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस एप्लीकेटर से आपको अपने लिप्स को फिल करना है। बस देखिए आप कितने आसानी से फिल हो गए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे से ये लग गई है लिपस्टिक, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से पूरे अच्छे से लिपस्टिक लगा रखी है मैंने। आपको सबसे ज्यादा मेन चीज ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो इसको अप्लीकेटर में जितनी लिपस्टिक आ रही है एक बार में उतना ही अप्लाई करना है। बार बार आपको इसे पोंछना नहीं है, या फिर आपको बार बार लिप्स पे बार बार आपको ना रगड़ना नहीं है। इससे क्या होता है, आपके लिप्स के ऊपर लेयर क्रिएट होगी और उसके बाद जो आपकी लिपस्टिक है क्रैकी हो जाएगी और पैची लगेगी, तो इस ये नहीं करना है। और एक और ट्रिक दोस्तों, अगर आपकी लिपस्टिक इधर उधर लग गई है या फैल गई है तो आप क्या करना है, ये आप जो ईयरबड होता है उसकी हेल्प से भी इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। आपको अगर लगता है इधर से फैल गई है या फिर निकल गई है तो आप इस तरीके से आप इसे क्लीन भी कर सकते हो, इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई हो गई है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए, आपको खुद देखोगे बहुत ही आसान तरीके से आप लिपस्टिक लगा सकोगे।